ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर रात का दरबार लगा दो, कितना बजे? रात को 10 बजे सोने से पहले। लेकिन दरबार लगा दे कभी? हाँ, बिस्तरा डाल दिया गुड नाइट करके, कोई लेना देना नहीं। वो दासियों का काम है, कोई लेना देना नहीं। यहां बेफिक्र बादशाह नहीं बनना है, बेफिक्र बादशाह वैसे बनो, लेकिन आपने पुरुषार्थ की फिक्र जरूर करनी है। आज मैंने कितना कमाया, कितना गंवाया, मेरे इस राज्य में क्या क्या हुआ, इसकी सारी चेकिंग करके फिर सोना है। तो रात को सोने से पहले दरबार लगा करके फिर सो जाओ। सबसे पहले बात करो कान से, हे कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की गलत बातें सुना रही थी। वो बहन जी ऐसी है, वो भाई जी ऐसा है, और तुमने बड़ा नज़दीक जाकर के सुना था, और क्या हुआ करके। जब को तुमको मैंने वेरस सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने वेरस सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कान को कौन सी सजा दो? ऐसे नहीं कि कान को काट करके फेंक दो। तुमने गलत सुना, अब सुन लिया, अभी न सुनने की कैसी सजा देंगे? कल फिर सुनेगा, इसीलिए कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो रात को सोने से पहले, मुरली दोबारा सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान की कमी है, इसीलिए तो गलत काम किया है उन्होंने, इसीलिए दोबारा मुरली सुनो, मुरली पढ़ो, फिर बाद में सो जाओ। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो चुप रहना चाहिए था। तुमने भी बोला, हाँ वो बहन जी ऐसा है, वो भाई जी ऐसा है, उसने ऐसा किया, तुमने भी बोलता रहा, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। क्योंकि मैं तो 8-9 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, तुमने अपना दरवाजा बंद करता तो कम से कम माया को घुसने का मौका ना मिलता। तुमने भी सहयोग दिया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा, मौन है मुख की सजा, मौन रखो। दूसरे दिन मैंने अगर थोड़ा भी 5 मिनट किसी का परिचिंतन किया, उसको ऐसा नहीं छोड़ो। अगर आज छोड़ देंगे, कल फिर और परिचिंतन करेगा, करते करते आपको रसा तला में पहुंचा देगा, इसीलिए सजा कौन सी दो? दूसरे दिन मौन रखो, मुझे कल किसी से बात नहीं करनी है, क्योंकि मैंने कल किसी का, इसको कहते हैं राजा। राजा मतलब अलर्ट, एक्टिव। राजाओं की निशानी होती है, क्या निशानी होती है? राजा की पहली निशानी होती है, राजा जिस शहर में रहता है, उस शहर में अगर कोई राजा की रिस्पेक्ट नहीं रखता, कोई गलत काम करता है, तो राजा उसको फांसी देता है। इसलिए पहले राजाओं में कुछ भी गलत काम नहीं होता था। अगर कोई हाथ से चोरी करता है, राजा उसको हाथ काट देता था, इसीलिए राजा से सब डरते थे, इसीलिए कोई गलत काम नहीं होता था। तो हमें भी इस शरीर में रहते हैं राजा में, अगर कोई भी इंद्रिया हमारी हमारे से विपरीत चलती है, उसको सजा देनी है। सजा मतलब कौन सी? अलौकिक सजा। अगर कान ने परचिंतन सुना, उसकी सजा दो कौन सी? मुरली सुनने में लगा दो उसको। अगर मुख ने परचिंतन किया, उसको मौन की सजा दो। अगर आंखों ने कोई इंटरनेट में या फेसबुक में व्हाट्सएप में कोई गलत सजा दो कौन सी? आधा घंटा तक योग एक्स्ट्रा करो, बाबा को देखने में लगा दो, दूसरे दिन गलत चीजें नहीं देखेगा। यह है राजा, सशक्त राजा। राजा का कोई कहना नहीं मानता, राजा उसको सजा देता है, शिक्षा देता है।